हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हमारे व्यूअर का सवाल है कि ऐसी एंट्री, जैसे कि मान लीजिए कि हम कंप्यूटर खरीद रहे हों और वो पर्सनल यूज के लिए हो, वो किसी बिजनेस के लिए ना हो, वो हमारे पर्सनल यूज के लिए, हम उसे बिजनेस में यूज नहीं करना चाहते, ठीक है। दूसरी बात, हम उसे उधार में खरीद रहे हैं, हम पैसे भी नहीं दे रहे हैं, हम उधार खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एंट्री ना तो परचेज में होगी, क्योंकि हम इसे बिजनेस के पर्पज से तो खरीद नहीं रहे, तो परचेज में तो जाएगा नहीं। और अगर हम पर्सनल खरीद रहे हैं और उधार खरीद रहे हैं, तो उधार खरीदेंगे तो इसका पेमेंट भी नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो ऐसी एंट्री किस वाउचर में पास होगी, उसी की बात करेंगे। तो यहां से टैली ईआरपी 9 को ओपन कर लेता हूं और फिर जनरल वाउचर, ऐसी एंट्री जो किसी भी वाउचर में नहीं जाती, उसे हम जनरल वाउचर में शो करते हैं। तो यहां से हमने जनरल वाउचर ले लिया है, ठीक है। अब डेबिट क्रेडिट ऑप्शन को चालू करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से F12 की प्रेस करते हैं और यहां से पहले सिंगल एंट्री मोड से हम हट जाएंगे और यहां पर वाई प्रेस कर देंगे। यहां दिया हुआ है यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ बाई और टू, ठीक है। तो ये सिंगल एंट्री मोड से हम बाहर आ गए और यहां से कंट्रोल ए प्रेस कर लिया। अब यहां डेबिट आने लगा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें एक कंप्यूटर परचेस करना है, ठीक है, और वो हम पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्ट के साथ सी प्रेस करना है, पहले लेजर तो हमने बनाया नहीं है। तो यहां पर लिखता हूं मैं कंप्यूटर अकाउंट कर देता हूं, आगे कंप्यूटर अकाउंट, ये कंप्यूटर अकाउंट कर दिया, एंटर प्रेस किया। अब ये क्या है हमारा कंप्यूटर, क्या है कंप्यूटर हमारा, है फिक्स्ड एसेट है, एसेट है क्या, ये जो कंप्यूटर है वो फिक्स्ड एसेट है। तो यहां पे एफ प्रेस कीजिए और फिक्स्ड एसेट में से डाल दीजिए, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस करते हुए आ जाइए कहां पर, अब ये सर्विसेज नहीं है, ये गुड्स है, यहां पे गुड्स रख लीजिए। एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस करते हुए इसको करा लीजिए एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट करा लिया। अब ये कंप्यूटर हमको पड़ रहा है 40,000 रुपए का, तो यहां 40,000 हमने डाल दिया। और भी कोई सामान परचेस कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए कंप्यूटर के अलावा हम हार्ड डिस्क भी परचेस कर रहे हैं, यहां पर हार्ड डिस्क डाल दिया हमने, हार्ड डिस्क ये डाल दिया, एंटर प्रेस किया। अब ये भी फिक्स्ड एसेट ही है हमारा, ठीक है। एंटर प्रेस करते हुए यहां आएंगे और ये भी गुड्स ही है, ठीक है। तो ये गुड्स कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कराया। अब ये हार्ड डिस्क हमको पड़ रही है 4,000 रुपए की, ये 4,000 डाल दिया हमने। अब यहां पर फिर आ रहा है क्रेडिट, लेकिन अगर मान लीजिए और भी फिक्स्ड एसेट आपको यहां पर एंट्री करनी है, तो यहां पर आप DR लिख दीजिए कीबोर्ड से, यहां पर डेबिट हो जाएगा। अब मान लीजिए एक SSD भी आप परचेस कर रहे हो, तो यहां पर हम दे देंगे SSD, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी फिक्स्ड एसेट है। और यहां पर आकर के ये भी हो जाएगा गुड्स, एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे और एंटरप्रेस करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे। और SSD हमको पड़ रही है 4,500 रुपए की, तो ये हमने डाल दिया। इन तीनों को डालने के बाद ये सारे आइटम्स आप कैसे परचेस कर रहे हो, किससे परचेस कर रहे हो, जो भी आपकी पार्टी है, जिससे भी आप परचेस कर रहे हो, अगले पर्सन से, और चूंकि उधार परचेस कर रहे हो तो पैसा देने का तो सवाल ही नहीं है। इस कंडीशन में इसे हम करेंट लाइबिलिटीज में डालेंगे, ठीक है, किसमें डालेंगे, करेंट लाइबिलिटीज का एक ग्रुप बना होगा, उसी ग्रुप के अंदर में इसे डाल देंगे। अकाउंट हमने नहीं बनाया है, उसके लिए भी खाता हमें बनाना होगा। अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए और यहां पर मैं करता हूं कंपो, प्रेस किया, अब ये जाएगा करंट लाइबिलिटीज में। तो यहां सी प्रेस कीजिए और यहां पर आपको करंट लाइबिलिटीज देखने को मिल जाएगी, ये करंट लाइबिलिटीज है। एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, एंटरप्रेस कीजिए और एंटरप्रेस करते हुए इसको करा लीजिए आप एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट करा लिया हमने। कुल मिलाकर के जितनी कॉस्ट आनी थी वो आ गई यहाँ पे, कुल मिलाकर 48,500, ठीक है। अब एंटरप्रेस कीजिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, चाहे तो नरेशन डाल लीजिए, ओके। हम देखेंगे कहाँ इसको जाकर, दो बार डी प्रेस करेंगे और यहां पर हम आ जाएंगे, ये देख सकते हैं आप कंप्यूटर अकाउंट वाला ये जो है हमारी एंट्री थी, और इसको एंटर प्रेस कर लेंगे तो यहां से हम देख पाएंगे। अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे प्रिंट करने के लिए, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहां से इसको कहीं सेव कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं, CL नाम दे देता हूं इसे और यहां से डेस्कटॉप पे कर लेता हूं सेव इसको, ठीक है। से अब इसको ओपन करके देख लेते हैं हमारा प्रिंट कैसा आया हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा वो प्रिंट है जो कि हमने जनरल वाउचर में एंट्री करी थी, इस तरह से ये प्रिंट हमारा आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको।
कि अगर पर्सनल अपने लिए चाहते हो तो कैसे हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आती हो तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।